देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक शिप का मॉडल है, ठीक है। देखो जब भी शिप बनाई जाती है तो एकदम से तो हम पूरी शिप नहीं क्रिएट कर देते हैं ना, पहले हम उसका मॉडल बना देते हैं, ठीक है। इसका जो पोल है, जो मास्ट है इसका, ये कितना है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इस मॉडल का। तो जो एक्चुअल शिप है बच्चों, उसमें इसकी जो हाइट है वो 12 मीटर है, ठीक है, क्लियर। ये कह रहे हैं कि अगर ये एक्चुअल में तुम्हारा 28 मीटर्स है तो तुम बताओ इसका मॉडल में हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ मास्ट इन, इसे इरेज कर दूँ मैं, ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे जो हाइट है दैट इज एक्स सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ मास्ट इन मॉडल बी एक्स, मैंने उसको एक्स मान लिया, ठीक है बच्चों। तो हम इसको कैसे टेबल बना सकते हैं कि मॉडल में उसकी हाइट और एक्चुअल में उसकी हाइट कितनी आ रही है, ठीक है। तो देखो, मॉडल में उसकी हाइट जब 9 सेंटीमीटर्स है तो एक्चुअली उसकी हाइट 12 मीटर्स है, ठीक है। जब मॉडल में उसकी हाइट, एक्चुअल में उसकी हाइट 28 मीटर्स है तो मॉडल में हमने ले लिया एक्स सेंटीमीटर्स होगी, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वो है, तो 9/12 इक्वल टू एक्स अपॉन 28, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स को इधर ही छोड़ो, ये 28 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना, ठीक। तो देखो मल्टीप्लाई करो ज़रा सा, 12 × 1 = 12, अच्छा नहीं एक मिनट रुको, इसको ये तुम कर लो 2 से कर लो, ठीक है, 2 × 6 = 12, ठीक, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ठीक है। फिर करो 3 से कर लो, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, ठीक, 2 × 7 = 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 3 × 7, 3 × 7 = 21 सेंटीमीटर्स। तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। ये सेंटीमीटर्स में क्यों आ रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये भी तुम्हारा सेंटीमीटर्स में था ना, इसीलिए यहाँ पे तुम्हारी जो मिलेगी हाइट दैट विल बी सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 में इसके।